वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग एक प्रोडक्ट का, जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हैंडी है और होप आप सबके लिए भी बहुत ही यूज आने वाला है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने अमेजोन से शॉपिंग किया है अपने लिए और मैंने सोचा कि चलो उस प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे अपनी वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो इस चैनल के लिए मैं वीडियो शूट करती हूँ ब्लॉगिंग के लिए, उसमें मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं वीडियो को, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का वीडियो आप लोगों के सामने दिखाया जाए, तो उसको मैंने अब सोचा है कि DSLR से शूट करूंगी। तो उससे शूट करने के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने मंगाया है एक गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो कि लुक वाइज भी बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं उसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है नया ट्राइपॉड, गोरिल्ला ट्राइपॉड है और अब जो मैं वीडियो शूट करूंगी वो इसी के थ्रू। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और ये देखिए, ये है वो नया ट्राइपॉड। इसकी लुक भी काफी अच्छी है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो मुझे काफी पसंद आया। वैसे मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रही थी नेट के ऊपर, मुझे बट मैंने लोगों के रिव्यूज देखे और इसमें इसके जो स्पेसिफिकेशंस जो देके रखी थी कंपनी वालों ने उसको देखा, तो मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा। और खास बात यह है कि मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये वाला ट्राइपॉड बिल्कुल फिट आएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया है और अब मैं इसको ओपन करने वाली हूँ। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स ओपन दिस। वाओ, ये देखिए, सो ये देखिए दिस, इसकी जो लेग की क्वालिटी है वो तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी मजबूत है ये, काफी स्ट्रांग है, मेटल का बना हुआ है ये, तो इस पे जब मैं DSLR को रखूंगी तो काफी अच्छे से होल्ड कर पाएगा और गिरने वगैरह के चांसेस बहुत कम होंगे। एक्चुअली अगर ट्राइपॉड लेते हो जिसका कि ये वाला पार्ट लेग पार्ट वीक है, तो फिर आप DSLR वैसे भी काफी हैवी हो जाता है, तो आप उसको जब यहाँ पे माउंट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका क्वालिटी वाइज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए दिस वन, आप इसको किसी भी एंगल में किसी भी तरह से इसको मूव कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो गाइज, इसका जो ये हेड बॉल वाला पोर्शन है वो काफी सही है, आप जिस भी एंगल में कैमरे को रखना चाहोगे उस एंगल में आपका कैमरा सेट हो जाएगा इस पे बहुत ही आसानी से। ये देखिए, यहाँ पे कैमरा सेट होगा और इसको आप थोड़ा सा ढीला करोगे पीछे इधर से खोल के, और ये जो है ये देखिए ये मूव हो रहा है। जब आपका कैमरा यहाँ पे सेट होगा तो आप इसको मूव करके किसी भी एंगल में किसी भी तरह से इसको सेट कर सकते हो, तो ये 360 डिग्री रोटेशन की फैसिलिटीज है इसमें, तो ये काफी अच्छी लगी मुझे। आप इन फ्रंट लेना है तो वो वाला कैप्चर कर लो, अगर आपको अप साइड की लेनी है या राइट लेफ्ट किसी भी एंगल में, ये देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये, बहुत सही है। यहाँ आप कैमरे को सेट कर दो और उसके बाद यहां से ये वाली नट को टाइट कर दो, बस देखिए अब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो DSLR है वो गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप काफी अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को शूट कर पाओगे। मैं अभी आपको सेट करके दिखाऊंगी कैमरा और ले गाइस, एक्चुअली इस पे जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 1799 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट करके 700 में पड़ा। Thank you.
गाइज ये माउंट हो चुका है इस पे बहुत ही इजीली। नाउ अब इसके पोजीशन को अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो ये यहाँ पे जो हेड बॉल है वो मूव हो रहा है, हेड बॉल मूव हो रहा है। ये देखिए बहुत इजी है, बहुत हर कोई इसको सेट कर सकता है। ये देखिए अगर आप बाइक पे बैठे हो, बाइक चला रहे हो, उसके लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि आप आगे के साइड में इसको रखोगे, ये भी काफी स्ट्रांग है, ऊपर कैमरा माउंट करोगे, धीरे धीरे अगर आप बाइक को मूव भी करोगे तो कैमरा गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और एक स्टेबल क्वालिटी की वीडियो बनेगी। एक्चुअली अगर क्या होता है ना, कभी कभी जब हम अपने हाथ को हिलाते हैं इस तरह से मूवमेंट करते हैं एंगल को कैप्चर करने के लिए, तो उस समय क्या होता है कि कैमरा का जो लेंस है वो भी मूव हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है या तो वीडियो शेक आ जाता है या फिर आप कैप्चर किसी चीज को करना चाहते हैं और कैप्चर कुछ और हो जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो गोरिल्ला पैड है वो परफेक्ट है। तो मुझे काफी पसंद आया ये, आई एम रियली लव दिस प्रोडक्ट। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जो भी मैं नए अपलोड्स करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आप मेरे हर वीडियो को देख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा ना, ये आज वाला जो वीडियो है उसको आप अगले साल देखोगे तो फिर बोलोगे आपके अरे बताया नहीं, तो इसके लिए आपको बेल बटन पे हिट करना है।